नक्सलियों ने कोडरमा स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है। स्टेशन मास्टर के नाम भेजे गए खत में उन्हें 15 दिन के अंदर स्टेशन छोड़ देने की चेतावनी दी गई है और स्टेशन को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई है। यह खत गिरिडीह के बरमसिया के अंजनी कुमार सिन्हा के नाम से लिखा गया है और इसे नक्सली फरमान बताया गया है। धमकी भरी चिट्ठी के बाद से कोडरमा स्टेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गढ़वा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक जख्मी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस को यह खबर मिली थी कि चिनिया के चपलसी गांव में नक्सली लेवी वसूलने आए हैं, जिसके बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने छापेमारी की। पुलिस टीम को देखते ही नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। इस दौरान छोटू कोरवा नामक एक नक्सली को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल नक्सली को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गुस्से आए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जादूगोड़ा जमशेदपुर मार्ग को जाम कर दिया और वहां आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे पुलिस वहां से भागने को मजबूर हो गई। प्रदर्शन से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। सीतामढ़ी रेलवे थाने में तैनात एक सिपाही को बंधक बनाकर लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि जीआरपी थाने में तैनात सिपाही ने महिला से छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत को लेकर मैसरोल पूर्व के मुखिया के पति जब जीआरपी थाने गए तो वहां मौजूद जवानों ने उनकी पिटाई कर दी। जैसे ही खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग जीआरपी थाने पहुंच गए और आरोपी जीआरपी जवान को बंधक बनाकर अपने साथ ले आए और इस दौरान जवान की जमकर पिटाई की गई। बाद में किसी तरह स्थानीय पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और बंधक जवान को छुड़वाया। उसी इलाके में बीती रात आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। बदनाथ थाना के महरथा गांव में पेड़ की टूटी डाली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इस तूफान में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा आम, गेहूं और दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है।